हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपर्णा मैं क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा भी मन पढ़ाई में लगता है तो आप मुझे अपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। अगर फिर भी आपको वीडियो यूज़फुल नहीं लगता या अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप वीडियो बीच में स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन विद इन फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं। सिर्फ 4 या 5 सेकंड ही आपको लगेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कि कैसे हम 2 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन विद इन फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं। इसे मैंने 3 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी हो और सभी नंबर्स को हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप फर्स्ट। देखते हैं कि टाइप फर्स्ट क्या है, क्या ट्रिक है। दोस्तों, टाइप फर्स्ट में ऐसे नंबर्स आते हैं जो 100 के करीब होते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 98 × 87, 97 × 89। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर क्या है, 100 के पास हैं। 98 भी 100 के करीब है, 87 भी 100 के करीब है, यहाँ 97 भी 100 के करीब है और 89 के 100 करीब है। यानी हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे टाइप फर्स्ट में जो 100 के करीब होते हैं। तो सॉल्व करने की ट्रिक सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है ये 100 से कितना पास है, यानी 100 से कितना कम है। तो अगर आप इसे देखते हैं 98 को, तो ये कितना कम है, 2 कम है। यानी 98 में अगर प्लस 2 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना कम है, ये 13 कम है। आप माइनस करके भी देख सकते हैं, 100 से अगर आप 87 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13। यानी 87 100 से कितना कम है, 13 कम है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ना ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको सब्सट्रैक्शन करना है, यानी 87 से 2 को माइनस करना है या 98 से 13 को माइनस करना है। दोनों ही केस में वैल्यू सेम आएगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 87 से 2 अगर आप माइनस करते हैं तो 85 आ जाता है। अगर 98 से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपको जो सही लगे आप उससे माइनस कर सकते हैं, यानी कि इनका अगर हम क्रॉस सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू सेम आएगी। यहाँ आपको एग्ज़ाम में आसानी क्या होगा, 87 से 2 माइनस करना, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85। तो हम क्या लिख लेंगे, 85 लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 26 और इसके आगे हमें 26 लिख देना है। आंसर आपका आ गया, यही है आपका आंसर। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं हम इसके, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 100 से कितना कम है। अगर हम 97 की बात करते हैं तो कितना कम है, 3 कम है, 3 लिख लेंगे। इसे हमें इरेज कर देते हैं। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 89 की बात करें तो कितना कम है, 11 कम है, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, त्रियक सब्सट्रैक्शन यानी क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है। 89 से 3 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। अगर यही 97 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। यानी दोनों के केस में वैल्यू सेम आनी ही आनी है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 86। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 33। अब इसके आगे 33 आपको लिख देना है, आंसर आपका आ गया। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, वैल्यू आपका सेम आएगा। अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं कि 97 × 89 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको टाइप फर्स्ट, कमेंट करके बताइए। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। दोस्तों, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न क्या है दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए दिए जाएंगे उनमें हमें ये चेक करना है कि जो 10
डिफरेंस डिजिट है वो सेम होना चाहिए और यूनिट डिजिट का एडिशन 10 होना चाहिए। यहाँ आप कोई भी मल्टीप्लाई उठा लीजिए, देखिए जो हमारा यूनिट डिजिट है उसका एडिशन क्या है, 10 है, और जो टेंस डिजिट है यानी जो दहाई अंक है वो सेम है। ये देखिए यहाँ सेम दिए हुए हैं और जो यूनिट डिजिट है उनका एडिशन कितना है, 10 है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है वो आप यहाँ देखिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो 21 हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है यानी टेंथ डिजिट दिया हुआ है उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, यानी उसके एग्जैक्ट आगे का नंबर क्या होता है। हमें पता है 2 के आगे का नंबर क्या होता है, 3। तो हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 जा कितना हो जाएगा, 6। वैल्यू आपकी आ गई, आंसर हो गया आपका 621। यही आपका आंसर है। इसकी बात करते हैं क्या करना है आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद क्या करना है, टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसके मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से करना है, यानी 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 है तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 6 दिया हुआ है, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 7। तो 7 का हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42। इसके आगे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ गया। इसकी बात करते हैं क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई। 6 × 4 जा कितना होता है, 24 लिख देंगे। उसके बाद क्या चेक करना है हमें, कि हमें ये चेक करना है कि जो टेंस डिजिट पे नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है। 5 दिया हुआ है, 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6। 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। यहाँ 30 पुट कर देंगे, आंसर आ गया। ये है आपका आंसर। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 2 डिजिट में होगा, 2 डिजिट में होना ही चाहिए। अगर 2 डिजिट में नहीं है तो आप उसे 2 डिजिट का बनाएंगे। यहाँ देखिए 9 × 9 आ जाएगा, 9 1 डिजिट है, हमें इसे 2 डिजिट बनाना है तो कैसे करेंगे, 9 के आगे 0 लिख दो, कोई भी नंबर उसके आगे 0 लिख दो, 2 डिजिट का हो जाएगा और उसकी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ आप 9 न लिख के 09 लिखेंगे और बाकी का पैटर्न आपको फॉलो करना है। बाकी के रूल्स आपने अच्छे से सीख ही लिए, ट्रिक आपने सीख ही ली, वही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि टाइप सेकंड क्या है। टाइप सेकंड में हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिनका यूनिट डिजिट सेम नहीं होता, जिनका टेंस डिजिट सेम होता है और यूनिट डिजिट का एडिशन कितना होता है, 10 होता है। यहाँ जो भी नंबर है सब उसी की कैटेगरी में है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आती है उसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि टेंस डिजिट जो है उसका नेक्स्ट नंबर क्या है। तो यहाँ 6 दिया था, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। तो 7 से 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको उसके आगे पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो ये था टाइप सेकंड। अब आती है टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में हम कोई भी नंबर लेंगे, चाहे वो 100 के करीब हो, चाहे उसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो या ना हो रहा हो, यानी हम सभी नंबर को लेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए जो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो, या ऐसे क्वेश्चन आए जो 100 के करीब हो, ये भी नहीं ज़रूरी। तो हम टाइप सेकंड में सभी करने वाले हैं, तो देखते हैं कि टाइप सेकंड कैसे करना है। दोस्तों अभी तक हमने टाइप फर्स्ट डिस्कस किया, टाइप सेकंड डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप थर्ड, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई इसमें हमें पैटर्न फॉलो नहीं करना है, यानी कोई भी आप रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं 10 से लेकर 99 तक, यानी नंबर 2 डिजिट के होने चाहिए, कोई भी नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो ट्रिक सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले से कर देना है, तीर थोड़ा आगे चला गया कोई बात नहीं पीछे ले आते, और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करना है, यानी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से, टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई टेंस डिजिट से, और लिखते भी जाना है। देखिए 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, तो हम 16 लिख लेंगे। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 लिख लेंगे उसके आगे। फिर क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पास वाले का पास वाले से, दूर वाले का दूर वाले से। 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। यहाँ हम 32 छोटा छोटा लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है,
और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 32 और 6 को ऐड करना है। 32 प्लस 6 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38। अब 38 का क्या करें, 38 का हमें यहाँ ऐड करना है, यानी 38 को हमें इसमें ऐड करना है, लेकिन यूनिट डिजिट छोड़ के पुट करना है, यानी इस नंबर को छोड़ के हम यहाँ 38 पुट कर देंगे। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 1992। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप कोई भी 2-डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स में, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 23 × 34। कैसे सॉल्व करना है, पहले वाले के तरीके। क्या करेंगे हम, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टेंथ डिजिट का टेंथ डिजिट से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से। सबसे पहले हम टेंथ डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ हम लिख लेंगे 6। फिर उसके बाद हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो हम यहाँ इसके आगे 12 लिख लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें पास वाले का पास वाले से मल्टीप्लाई, दूर वाले नंबर का दूर वाले से मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 8। अब क्या करें, 9-8 का क्या करें, पहले वाले नंबर तो हमने लिख लिए, अब 9-8 का क्या करना है, 9-8 को आपस में ऐड करना है। 9 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 17। अब 17 को हम यहाँ ऐड करेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट छोड़ के, यानी यूनिट डिजिट छोड़ के हमें ऐड करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे 17। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये 8, ये 7। आंसर आ गया 782। यानी अगर 23 × 34 हम करते हैं तो उसका आंसर 782 आएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो थर्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। कमेंट करके बताइए कि थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम है या आपको वीडियो समझ नहीं आया है तो रिपीट करके देखिए, फिर भी अगर आपको इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन्हें सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।